दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा हर घर में देखा जाने वाला बहुत ही फेमस शो है, क्योंकि इस शो में बबीता जी यानी कि मुनमुन दत्ता और जेठालाल के बीच होने वाला प्यार भरा रोमांस आप लोगों को खूब पसंद आता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बबीता जी के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे। बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता ने अपनी जिंदगी में बहुत ही उतार चढ़ाव का सामना किया। इसके अलावा मुनमुन दत्ता ने अपनी जिंदगी में वो सब देखा है जो किसी भी लड़की को अंदर से तोड़ कर रख सकता है। लेकिन फिर भी मुनमुन दत्ता एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ एक कामयाब कलाकार बन गई। मुनमुन दत्ता ने हैशटैग नीटो कैंपेन के टाइम पर अपने आप बीती शेयर करते हुए बताया था कि उन्हें बचपन से ही सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ गया, और वो भी ऐसा सिर्फ उनके साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है। मुनमुन दत्ता ने बताया कि कैसे उनके पड़ोस में रहने वाले अंकल उनको गलत तरीके से छुआ करते थे, और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात उन्होंने ये बताई कि उनका बड़ा भाई, जिसकी अपनी बेटियां उनकी उम्र की थी, वो उनको तो छिपाकर रखता था लेकिन मुनमुन दत्ता को गंदी नजरों से देखा करता था। इसके अलावा मुनमुन दत्ता ने ट्यूशन टीचर से लेकर घर के रिश्तेदारों के बारे में खुलकर सबको बताया कैसे वो उन्हें गंदा काम करने के लिए हैरेसमेंट करते थे। लेकिन मुनमुन दत्ता ने ये सब बातें सबको बताकर अपने आप को कमजोर साबित नहीं किया है, बल्कि उनका कहना है कि वो अब इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि अब कोई उन्हें गंदी नजरों से तो देख भी नहीं सकता, और अब वो किसी भी बदतमीज को उसकी बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। दोस्तों, इसके साथ ही आपको एक बात और बताते हैं। एक बार मुनमुन दत्ता को एक यूजर ने ट्विटर पर ट्वीट करके पूछा था कि एक रात का कितना लेती हो। ये बात सुनकर मुनमुन दत्ता ने उस यूजर को बहुत ही खरी खोटी सुनाई, और मुनमुन ने उसे गंदी गंदी गालियां भी दी। उसे इतना सुनाया कि जिससे उसकी अक्ल ठिकाने आ गई थी। मुनमुन का कहना था कि अब वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि ऐसे मनचलों का मुंह तोड़ जवाब देने में जरा भी पीछे नहीं हटती। मुनमुन ने कहा कि उन्होंने जो बचपन में सेक्सुअल हैरेसमेंट को झेला है, उसके कारण ये बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। आज वो किसी की भी बदतमीजी को सहन नहीं करेगी। मुनमुन दत्ता दुनिया की सारी महिलाओं को ये सीख देना चाहती है कि चाहे कोई भी तुम पर कितना भी हावी होने की जरूरत करे, लेकिन किसी के आगे झुकना मत। तो दोस्तों, आपको ये बातें कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही दोस्तों हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही दोस्तों, इसे नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही लगे बेल के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट भी कर देना।